हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेके आए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षक भर्ती और सीटेड ये सबसे रिलेटेड आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। बीएड और डीएलएड डिग्री धारी डिप्लोमा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, नौकरी पक्की। बीएड वाले अभ्यर्थियों को मदरसों में भी उन्हें शिक्षक का मौका इसी साल में नौकरियां में बढ़ सकती है। मदरसों में पढ़ाने के लिए अपडेट अनिवार्य है। इंग्लिश और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जाएगा। मदरसों में पढ़ाने के लिए अपडेट सीटेट चाहिए होगा, जो अनिवार्य हुआ। मदरसों में अपडेट पास शिक्षा के पढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने मॉडर्नाइजेशन योजना के तहत मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब कोई भी शिक्षक बिना टेट पास किए मदरसों में भी नहीं पढ़ा सकेंगे। अब दोस्तों, टेट, बीएड और सीटेट वाले शिक्षक जरूरी कर दिए गए हैं मदरसों में पढ़ाने के लिए। नई भर्तियाँ निकलेंगी और आपको बताना चाहेंगे, पहले टेट पास करना अनिवार्य नहीं था लेकिन अब टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके सीटेट और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। थैंक यू।